हेलो एवरीवन, आज की क्लास में अपन क्लास 11 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है अपन ने इसका बेसिक जो है 10th में बहुत अच्छे से देखा, वहां पर अपन ने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पर अब जैसे जैसे आपकी क्लासेस में मैथमेटिक्स हायर होती जाएगी तो ट्रिग्नोमेट्री है वैसे एक्सपांड होता जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में अलग ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसका कैलकुलेशन वाला पार्ट भी होता है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मैं आपके लिए समझाता हूँ। बेसिक में फर्स्ट समझिएगा क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। फर्स्ट टॉपिक आपका क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल क्या, अच्छा एंगल तो कुछ समझते क्या होता है, पर इसका कॉन्सेप्ट समझिए। सपोज करो जैसे मान लो कोई ये दो आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक है। मान लो ओ से लेकर एक्स में एक लाइन बनी, ठीक है। अगर यहां से एक लाइन सेगमेंट बना OP, क्या बनाया मैंने लाइन सेगमेंट OP, तो यहां पर कोई वेरिएशन होगा, इस वेरिएशन को हम क्या बोलेंगे। तो ये जो यहां पर जो वेरिएशन बना यानी जो एंगल बना, इस एंगल को हम कौन सा एंगल बोलते हैं, ये एंगल बनता है आपका पॉजिटिव एंगल। कौन सा एंगल बनता है आपका, पॉजिटिव एंगल। ऐसे अगर वापस से अगर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, जैसे पे ओ एक्स हो जाए, और अगर एंगल की बात करें जैसे वापस, अब इस बार एंगल यहाँ नहीं कहाँ आ जाए, यहाँ, और ये लाइन सेगमेंट आपका ओपी ऑपोजिट बन गया। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को कौन सा एंगल बोला जाता है, नेगेटिव एंगल। क्या कौन सा एंगल बोला जाता है, नेगेटिव एंगल। यह पॉजिटिव एंगल है और यह कौन सा एंगल बन जाएगा, नेगेटिव एंगल। साथ ही साथ और देखिए, यानी अगर अपन क्लॉक वाइज घूम रहे हैं, जैसे अगर क्लॉक वाइज घूम रहे हैं तो ये एंगल जो है ये पूरा 90 है, ये पूरा 90, तो ये एंगल 90 से कुछ कम है। यानी अगर अपन घूम रहे हैं ये डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन घूम रहे अपन, यानी कौन सा डायरेक्शन आपकी क्लॉक वाइज, उस टाइम पे जो एंगल बनेगा कौन सा बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। कौन सा बनेगा, नेगेटिव एंगल। मतलब लाइन की माइनस थीटा, अगर अगर मान लो थीटा हुआ और ये 90 हुआ तो क्या बोलेंगे इसको, 90 माइनस थीटा, यानी थीटा 90 से कम होगा, एंगल क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। पर मैं यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एंगल थीटा हुआ तो एंगल यहाँ पर बढ़ के आएगा, यानी एंगल यहाँ पर क्या होगा, अब ये क्या कौन सा डायरेक्शन आपकी, एंटी क्लॉक वाइज। कौन सी डायरेक्शन आपकी, एंटी क्लॉक वाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉक वाइज में घड़ी की विपरीत दिशा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एंगल पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आपका एंगल नेगेटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आपका एंगल कौन सा होगा, इसमें एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो, सॉरी ये नेगेटिव इसमें होता है, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। बहुत सीधा हमें लिखना गलत हो गया, क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, यानी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज में आपका एंगल कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव एंगल हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब आगे एंगल को समझते हैं कि एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। अगर आपने को एंगल का मेजरमेंट करना हो तो वो भी समझिएगा। जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये अपनी एक अलग कॉपी बना देना, आपको फेयर कॉपी अगर बनाने की जरूरत है, आप नोट्स बनाओ, फेयर कॉपी अलग चीज होती है, नोट्स अलग होते हैं। नोट्स में अपन सारी चीजें लिख लेते हैं जो बेसिक बेसिक सारी चीजें होती है, तो आप आगे की जो भी आपकी हायर क्लास होती है 11th क्लासेस में नोट्स वगैरह बनाइएगा, फेयर कॉपी आप इसको अलग को बनाना, पर मैं आपको नोट्स वगैरह बनाने की सुविधा जरूर दूंगा कि नोट्स वगैरह बनाइएगा। इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वगैरह अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बोले आप हिंदी लिखो, बोले उर्दू लिखो, बोले इंग्लिश लिखो, जिसमें आपको आता हो संस्कृत लिखो, संस्कृत लिखो, ठीक है। चलो देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो सेकंड कॉपी आपका लिखता हूं मैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब एंगल का मेजरमेंट किया जाता है, अच्छा दिख रहा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है तो वो भी सब कुछ समझते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो एंगल का मेजरमेंट करना अपने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें आपको एंगल का मेजरमेंट करना ही आएगा। तो अगर मान लो अपने को एंगल का मेजरमेंट करना हो तो ये दो तरीके से कह सकता है, एक तो आपका सेक्साडेसिमल ऑफ सिस्टम और एक सर्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम, एक तो सेक्साडेसिमल ऑफ सिस्टम और एक आपका सर्कुलर सिस्टम। अब एक होता क्या है वो समझिएगा। जैसे फर्स्ट मैंने लिया सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसमें क्या कह रहा है, इस सिस्टम के अंदर एक हॉरिजॉन्टल
और वर्टिकल लाइन लेते हैं, इसमें एक्स एक्सिस ये आपका वाई एक्सिस दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो वैल्यू होती है एंगल की, जैसे छोटी क्या होती है लाइनें और एंगल की होती है ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो एंगल की लाइन होती है ये किससे शुरू होती है, किसमें थीटा से, और इसमें हर थीटा जो है वो कितने डिग्री, 10-10 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, कितना 10-10 डिग्री को, 10-10 करके इससे कहां तक 90 डिग्री तक आ जाता है। यानी अगर यहां पर एंगल टाइम आता है डिग्री में आ जाता है, सेक्शन डेसिमल एंगल टाइम आता है आपका डिग्री के अंदर। यानी अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं, कितने डिग्री की, 1 डिग्री की, तो यहां पर 1 डिग्री जो है वो इक्वल होता है 90, ठीक है, ये 90 डिग्री आपका। और अगर मैं 1 डिग्री को और सिंपल करूं मैं, तो 1 डिग्री कुछ होता है 60, जैसे ये समझेगा ये सबसे बड़ी यूनिट आपकी आवर, क्या होती है आपका आवर, इसके बाद ये 60 मिनट, ये क्या होता है आपका 60 मिनट, यानी 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट की, ऐसा करके 60, और इसको बोला जाता है कलन, क्या बोलते हैं इसको, कलन, या 60 मिनट में पढ़ा जाता है, कलन बोले या मिनट। इसके बाद और आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो देखिएगा, अगर 1 मिनट की वैल्यू देखूं मैं, 1 मिनट, तो 1 मिनट की वैल्यू होती है वापस 60, ठीक है, इस बार डबल, यानी कहीं आ जाएगा वो सेकंड में, यानी 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, या 1 मिनट इक्वल टू 60 सेमी कलन, ये कलन था, ये सेमी कलन था, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सेक्सागेसिमल सिस्टम, जिसमें अपन एंगल वगैरह देखेंगे, यानी 1 डिग्री वैल्यू कितना होती है आपका 90 डिग्री। अब अगर सेकंड सिस्टम देखूं मैं, ये क्लियर आपको, अब इस पर आगे चलते हैं। जैसे सेकंड सिस्टम आपका कौन सा, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, यानी इसमें सर्कल बनेगा। तो जैसे अपन एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल का सेंटर ओ लिया, और यहां पर एक रेडियस ली मैंने आर, पॉइंट ए लिया, ठीक है, ओ से, और इसको ऐसा बनाया कि आर की डिमांड मैंने कितना मानी, 1 मानी, कितना मानी, आर इक्वल टू 1, ओके, आर की वैल्यू 1 यूनिट ले ली, ठीक है, भले मीटर और सेंटीमीटर कुछ भी हो 1 यूनिट ले ली मैंने। अब जितनी रेडियस के उसी का मैंने आर्क लिया, और इस पॉइंट पर रख के यहां से आर्क काटा मैंने, मान लो यहां पर, और पॉइंट क्या मिल गया मुझे, पी, क्या पॉइंट मिल गया, यानी जो आर्क की डिस्टेंस होगी कितना, 1 यूनिट, 1 फिर क्या किया, सबसे पहले तो सर्कल सेंटर को रेडियस 1 का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने, और इसकी जो डिस्टेंस थी रेडियस के बराबर, यहां से आर्क मैंने यहां पर कट कर दिया। तो अब यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर ज्वाइन कर दूं इस पॉइंट को, तो यहां पर एंगल बनता है दोनों बीच में। अब यहां पे जो एंगल बनता है उसकी वैल्यू निकालते अगर अपन, तो अपन ने पढ़ रखा है आर इक्वल टू, सॉरी, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, आर अपॉन क्या हो जाएगा, पर रेडियस। अब यहां पे आर की लेंथ कितना है, तो वो भी 1 है, और रेडियन रेडियस का तो रेडियस भी कितना 1 है, तो यहां पर 1 अपॉन 1 यानी 1। तो यहाँ पे जो एंगल निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 1। तो इसको 1 नहीं बल्कि इसको क्या पढ़ेंगे, 1 और ऊपर लगाएंगे रेडियन। तो यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी आपकी 1 रेडियन। यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपको कितना बनेगा, 1 रेडियन, ओके, क्लियर। अगर मान लो इसको और आगे बढ़ाऊं मैं, एक पॉइंट मैंने मान लो यहाँ पर ले लिया, नाम दे दिया इसको बी, क्या नाम दे दिया बी, यानी अब आर्क जो कटा, इस आर्क की लेंथ जो इस बार रखती मैंने कितना एस, क्या रखती आर्क की लेंथ एस। तो फिर क्या करना, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा हूँ क्या बन रहा हूँ थीटा, तो यहाँ पर कौन बनेगा एंगल, यानी थीटा इक्वल, और रेडियस आपकी क्या इस बार आर, अगर कॉमन फॉर्मूला सबके लिए बनाया पर, तो आर्क तो कितना है आपका एस, और रेडियस कितना आर, ये फॉर्मूला बन जाएगा थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, यानी एंगल इक्वल टू एस अपॉन आर, और ये काइन होगा आपका रेडियन में, काइन होगा आपका रेडियन में। एंगल जो होते हैं आपके दो मिलती, एक तो डिग्री में मेजरमेंट किया जाता है और एक रेडियन में, ठीक है। सेक्सा डेसिमल के अंदर अपन डिग्री में पढ़ते हैं, और सर्कुलर सिस्टम के अंदर किसमें पढ़ा जाता है आपका रेडियन में। अच्छा अगर देखो एक और चीज, अगर इस पूरे एंगल की बात करें, तो इस पूरे एंगल को कैसे देखते हैं कितना होगा रेडियन में, तो देखो देखिए थीटा इक्वल, अच्छा यहां से अगर शुरू हूं मैं और यहां से यहां तक आ जाऊं,
टोटल कितना आर्क है, जितना आर्क उसका सर्क्यूफेरेंस और सर्क्यूफेरेंस का परिमाण 2 पाई आर हो जाएगा, यानी जो आर्क है उसके लिए यहां से लेकर यहां तक वापस कितना 2 पाई आर पूरा फॉर्म में क्या रहा आर, यानी आर से आर कैंसिल तो थीटा इक्वल कितना आ जाएगा 2 पाई, थीटा इक्वल टू 2 पाई, यानी यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बनेगा पूरा 2 पाई के बराबर, क्लियर है 2 पाई के बराबर, याद हो सबको समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद आगे देखिए थीटा मिला क्या हमको 2 पाई, यानी अगर इस सर्कल को मान लो, अगर इस सर्कल को मान लो अपन 4 बार डिवाइड करें, जैसे एक सर्कल आपका, और अगर सर्कल को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूं, क्या करूं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं, जैसे 4 पार्ट में, तो ये टोटल तो कितना एंगल बना अपने पास 2 पाई बना, पर अगर 90 डिग्री बनाऊं मैं तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी कितना 90 डिग्री, यानी ये जो 2 पाई है, ये जो 2 पाई है और टाइम है रेडियन में, 2 पाई टाइम है तो 2 पाई रेडियन जो है, क्यों अभी बताया था मैंने सी जो आपका एंगल टाइम होता है रेडियन, सर्कल के अंदर टाइम बनेगा आपका रेडियन में, तो ये जो 2 पाई रेडियन बना है आपका वो कितने 90 डिग्री एंगल के बराबर है 1 2 3 और 4 के बराबर, यानी 4 और क्या आ जाएगा राइट एंगल और राइट एंगल। अगर मैं यहां से 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहूं, कितने की 1 रेडियन की, यानी 1 रेडियन की अगर वैल्यू निकालना चाहूं मैं तो 4 मल्टीप्लाई राइट एंगल की वैल्यू कितना होती है आपका 90 डिग्री, और अपन में ये 2 पाई का आ जाएगा इसके यहां पर, तो 2 1 2 2 2 4 यानी, और 90 मल्टीप्लाई 2 से होगा 180 अपॉन 5, और 1 रेडियन यानी 1 और रेडियन, ये किसके वैल्यू मिल गया अपने को 1 रेडियन, और 1 रेडियन की वैल्यू निकल के क्या आ गई 180 अपॉन 5। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर अगर आपसे पूछे कभी कि 1 रेडियन की वैल्यू कितना होती है, तो 180 डिग्री अपॉन 5 कितना होती है 180 डिग्री अपॉन 5, ओके। इस कॉन्सेप्ट का अपन आगे यूज करेंगे जब कभी रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ेगा, तो आपको इस कॉन्सेप्ट का अपन उपयोग जरूर करेंगे, ठीक। तो ये तो हुआ आपका आज का बेसिक जो एंगल वगैरह के ऊपर, अब इसे नेक्स्ट वीडियो में अपन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है।